झटपट फूडी विथ कशिश की टीम आज आवी पहुंची छे अमदावाद ना नेक्सस अमदावाद वन मॉल ना फन ब्लास्ट અહીંયા એક કેફે નું નામ મેં સાંભળ્યું છે જેનું નામ છે કેફે મુંબઈ. એવું સાંભળ્યું છે કે મુંબઈ સ્ટાઇલ ની બધી વાનગીઓ અહીંયા મળે છે અને અહીંયા ફનબ્લાસ્ટ માં રમવા માટે તો યંગસ્ટર્સ મતલબ ફૂલ લોન આવે છે. ચાલુ દિવસે બપોરના સમયે તમને કોઈક તો અહીંયા રમતું મળી જ જશે. બસ તો એ કેફે મુંબઈ નું ફૂડ કેવું છે અને ફનબ્લાસ્ટ માં થોડુંક ફન કરી લઈએ આજના એપિસોડ માં. કમ ઓન લેટ્સ ટ્રાય. શમશેર ભૈયા એ બનાવશે અને મને શીખવાડશે, તમને શીખવાડશે. શમશેર ભૈયા આજ કોણ સી રેસીપી અભી સબસે પહેલા આપ બનાવોગે? સબસે પહેલે મેડમ મેં પનીર તુફાની સેન્ડવિચ. પનીર તુફાની કેસે બનેગી? પનીર તુફાની તો સબ્જી હોતી હૈ, સેન્ડવિચ મેં લા દિયા આપને. વો સેન્ડવિચ યા બનતી હૈ, મેં મેરા થોડા અલગ તરીકે કા બનાને કે તરીકે. ક્યા બાત હૈ, ચલિયે શુરૂ કરતે હૈ. સબસે પહેલે ક્યા? સબસે પહેલે મેં બ્રેડ લુંગા. મેં બ્રેડ તીન સ્લાઈસ કે બ્રેડ મે આતે તીન સ્લાઈસ. ક્યા બાત, આપકી બ્રેડ ભી કાફી ફેટ હૈ મતલબ? જી મે. अब इसमें सबसे पहले बटर लगाएंगे. ओके. तीनों में इसके बाद मैम अपना तंदूरी सॉस भी आएगा और मेयोनीज. जी मैम, थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज सॉस आएगा. जी मैम, इसके बाद अपना तंदूरी सॉस आएगा. इसमें मैम वो होगा मिक्सी. तो वैसे शमशेर भैया. जी मैम. ये पनीर तूफानी सैंडविच की डिमांड इधर कैसी है? अच्छी है मैम, काफी अच्छी है. जी मैम, जब लोग आते हैं तो आई थिंक गेम खेलते खेलते वो सैंडविच खाना पसंद करते हो. जी मैम. क्या बात है. इधर और क्या क्या मिलता है? इधर अपने पास जामुन सॉट है. हाँ. जूस भी है अपने पास, चाट में भी है और सैंडविच पिज्जा भी है. सैंडविच पिज्जा पिज्जा और सब. नाइस, मतलब लोग इधर फास्ट फूड खाएंगे, जूस और मिल्क शेक पिएंगे और खेलेंगे आराम से, है ना? जी मैम. कितने टाइम से ये कैफे इधर? जी मैम, मेरे को एक साल हो रहा है. आपको इधर एक साल हो? क्या बात. अभी आपने दादा वेजिटेबल से आएगा मैडम सबसे पहले. ये गोभी है और साथ में हाँ पत्ता गोभी है. हाँ. और शिमला मिर्च और ऑनियन है. जी मैम, अभी इसमें अपना आएगा चाट मसाला. ओके. इसमें क्या दिल खोल के सब सैलेड डाल दिया, मतलब हेल्दी लग रहा है. मेयोनीज से फिर भी ये सैलेड. हाँ. देख के मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है. थोड़ा सा आएगा मैडम. फिर अपना तंदूरी सॉस आएगा फिर से. जी मैम. वाह. इसके बाद अपना आएगा चीज आएगा. आहा, चीज के बिना तो सैंडविच अधूरी है. जी मैम. चीज आने के बाद इधर से ऊपर से वो बंद. इसके बाद फिर अपना आएगा मैडम इसमें फिर से पनीर. ये जो मसाला इसमें टमाटर ऑनियन काकड़ी और पनीर है. पनीर डाइस पनीर. जी मैम. अभी इसमें दोनों आएगा मायोनीज और तंदूरी सॉस. थोड़ा सा आएगा चाट मसाला. अभी इसको मिक्स किया जाएगा. अब हर एक लेयर पे कुछ अलग कर रहे हो, है ना? जी मैम. ये मुझे लगता है पंजाबी सब्जी पनीर तूफानी जैसी वाइब देगा. नो मैम, मुंबई है. मुंबई टाइप का. मुंबई में आई थिंक इसकी डिमांड ज्यादा होगी, है ना? जी मैम. कंप्लीट हो गया. ये आई एम श्योर एक इंसान तो नहीं खत्म कर सकेगा. हाँ मैं तो एक पीस में ही मतलब फूल हो जाऊ. अब इसको कटिंग किया जाए. ओके. साइड कटिंग.
आपने स्लाइस काट दी, ये भी मुंबई की कुछ स्पेशलिटी है? जी मैम, मुंबई का भी, अभी मैं अहमदाबाद में यही टेस्ट देना सोच रहा हूँ। मुंबई का टेस्ट आपने अहमदाबाद में ला दिया है? जी मैम, वही स्टाइल वही टेस्ट, मतलब अहमदाबाद वैसे ट्रैफिक की वजह से मुंबई तो बन ही रहा है, अभी टेस्ट की वजह से भी बन जाए। अभी अपना ग्रिल में डालेंगे मैम। ओके, ग्रिलिंग टाइम। जी मैम, ये डल गया ग्रिल। चलो तो सैंडविच तो हाँ ग्रिल थे ही, पर मारो सवाल शमशेर भैया, अभी ये ग्रिल होने में कितना टाइम लगेगा? अभी 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट, चलो तब तक फिर गपशप करेंगे आपने। आप ये बताएं कि आप किधर के हो? हिंदी बोल रहे तो गुजरात के तो होंगे नहीं? जी मैं तो एमपी का हूँ। एमपी का? शमशेर भाई एमपी ना से गुजरात में अहमदाबाद में मुंबई स्टाइल सैंडविच बनावे अरे लोग ने छोड़ावे रियली नाइस। तो मतलब आपको कब से कुकिंग का शौक लगा? मेरे को मैम जब मैं 12वीं का पेपर देने के बाद मैं बाहर निकला, तभी से मेरे को कटोरी में शुरू में काम किया। ओके, उस तभी से मेरे को घर से अच्छा लगा। क्या बात है, मतलब स्कूल खत्म थी नहीं सिद्धू कुकिंग शुरू, फिर आप इधर कब आए? मैं इधर मेरे को 2018 में आया। क्या बात है, फिर लग गए काम पे। कब से मतलब आपको, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा बनाना पसंद है? मेरे को सबसे ज्यादा यही सैंडविच पिज्जा। और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मैडम मेरे को तो सब्जी और रोटी, घर का। भले बाहर फास्ट फूड खिला रहे हो लेकिन घर का खाना वैसे कुछ नहीं। चलिए तो अभी थोड़ी देर रात देखते हैं ग्रिल हो जाए, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस है। मेरा बप्पू ना समय यार, पनीर कुपानी सैंडविच बनाई जाए, रियली कांट वेट टू ईट दिस। शमशेर भैया ग्रिल और चेक कर लेते हैं। जी मैम, अभी दो मिनट अभी और लगे। गॉड, चलो अजी 2 मिनट आ जाओ। 2 मिनट थे गई थे, शमशेर भैया देख ले फिर से। चलिए मैम, चलो हो गई, अभी इसको निकालना पड़ेगा। ये होगा ये सर, अभी कटिंग करेंगे। चलिए, आपने मीडियम ब्राउन रखा है ना? जी मैम। अभी इसको प्लेट में एक में डालेंगे। अभी इसको डालेंगे तंदूरी सॉस डेकोरेशन के लिए। फिर आएगा अभी मेयोनीज थोड़ा सा, अभी ऊपर से चीज आएगा। थोड़ा सा वेफर आएगा। क्या बात है, मुंबई में ऐसे ही देते हैं? जी मैम। नाइस, अपना वेफर हो गया, ये अभी अपना कंप्लीट हो गया। क्या बात है, अभी आपकी सैंडविच मुंबई सैंडविच हो गए, पनीर तूफानी मुंबई स्टाइल पनीर तूफानी सैंडविच रेडी है। टाइम टू टेस्ट दिस। इंटरनेशनली एक रूल है तो इंडिया ने बाहर पहला कि जारे पण આવી સેન્ડવિચ કે હોય ત્યારે જોડે ચિપ્સ સર્વ કરે। મુંબઈ માં પણ આવી રૂલ હવે અમદાવાદ માં આવી ગયું છે અને બેઝિકલી અહીંયા તો સોસ ને એની સાથે સર્વ થાય છે સેન્ડવિચ, પણ મારે એકલી ટ્રાય કરવી હતી બીકોઝ એનો જો ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ છે એ મારે મિસ નથી કરવો। સો આ સેન્ડવિચ માં તંદૂરી સોસ અને મેયોનીઝ બંને હીરો ને હિરોઈન ની ભૂમિકા ભજવે છે અને પછી એ તુફાન થાય છે, આપણે ટેસ્ટ કરીએ। તમને બહુ જ ભૂખ લાગી હોય ને? બહુ જ લાઇટ નહીં અને બહુ જ હેવી ના ખાવું હોય, બેસ્ટ ઓપ્શન છે, તુફાન મચાવી દેશે, ઘર આવી જશો તમે, અહીંયા આવો ફન ગ્લાસમાં રમતા રમતા આ સેન્ડવિચ ઇઝ અ મસ્ટ ટ્રાય। अलग मैडम ये रहेगा कि अपना सभी मिक्स आएगा वेजिटेबल,
जो बाहर बनता है उससे थोड़ा अलग डिफरेंस बनाएंगे। मतलब आप मिक्स वेज मैक्सिकन सैंडविच। जी, मिक्स वेज सैंडविच में मैक्सिकन टच। वाओ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ब्रेड लेंगे मैम। ओके, ब्रेड लेने के बाद अपना हैंड ग्लव दोनों में। आप हाइजीन काफी मेंटेन करते हो। जी मैम। नाइस। उसके बाद बटर लगाया जाएगा। ओके, ये अपना बटर है। अभी अपना बटर लग चुका है मैडम। अभी अपने को मिक्स वेज मैक्सिकन जैसे सैंडविच है। अभी अपने को मेयोनीज सॉस थोड़ा सा आएगा। वेजिटेबल में आपने क्या क्या लिया है? यह वेजिटेबल्स मैंने टमाटर, आलू और काकड़ी लिया है मैम। अभी इसके बाद मेयोनीज के बाद अपना तंदूरी सॉस थोड़ा आएगा। अभी थोड़ा सा ग्रीन चटनी आएगा मैम। ग्रीन चटनी? जी मैम। अभी अपना थोड़ा सा टमाटर के आएगा, अभी इसको मिक्स किया जाएगा मैम। मिक्स करने के बाद अपना फर्स्ट लेयर में आएगा ये। अपना थोड़ा तंदूरी आपने मिलाया तो थोड़ा मतलब स्पाइसी आ गया। हाँ, थोड़ा सा। वेजिटेबल के लिए जो वेजिटेबल सैंडविच की सिग्नेचर होती है। हाँ, वो ग्रीन चटनी, वो भी आपने डाली। हाँ, वो मेक्सिकन है ना, इसलिए मैडम थोड़ा मिक्स सभी मिक्स रहता है। तो सर अभी दूसरे लेयर में अपना आएगा वेजिटेबल्स आएगा। वेजिटेबल्स में भी ऐसा वैसे ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मेयोनीज, वो भी प्याज शिमला मिर्च में। हाँ हाँ जी। अपना थोड़ा सा भी टमाटर केचप इसमें आएगा, थोड़ा सा ग्रीन चटनी, थोड़ा चाट मसाला। अपना चीज आ गया, अब इसको बंद करेंगे। okay. अभी बटर लगेगा। अभी अपने को बचाना पड़ेगा मैम। रेडी हो गया इतनी जल्दी? हाँ, रेडी हो गया। अभी रेडी हो गया, अभी okay. अपना ग्रिल में डालेंगे। अब कि इसको 3 से 4 मिनट ऐसे छोड़ देंगे चालू करके। सर शमशेर भाई एक बार चेक कर ले कि हो गया कि नहीं। थोड़ा अभी 2 मिनट और। और एक बार 2 मिनट मेरा जो भी पड़ता है, तो तब तक आप ये बता दीजिए कि अभी सैंडविचेस तो हो गए, अभी इधर फ्रेश जूस शॉर्ट्स भी फेमस है, तो आप कौन सा बनाएंगे अभी नेक्स्ट? अभी जामुन शॉर्ट बनाएंगे। जामुन शॉर्ट्स झटपट पूरी विद कृष्णा अपने आज इंतजार करते हैं इसके होने का, फिर जामुन शॉर्ट की बारी है। हो गया रेडी? हाँ हाँ हो गया मैं। होपफुली। क्या बात, मिक्स वेजिटेबल मैक्सिकन स्टाइल सैंडविच तैयार है। अभी इसको कटिंग करेंगे। okay. अभी कटिंग हो गया है, अभी इसको सो करेंगे, गार्निश करेंगे। गार्निश करेंगे। हाँ। क्या बात। हाँ। चीज़ टाइम।
अभी अपने चीज हो गया सर। मयोनीज थोड़ा सा डालेंगे, टमाटर केचप ऑयल थोड़ा सा। अभी आप रेडी हो गया सर, अभी ये रेडी हो गया मैम, अभी आप ट्राई करके देखो। ओके, मिक्स वेजिटेबल सैंडविच जेमा मेक्सिकन टेस्ट आप करो, ट्राई कर लिए। चीज मैक्सिकन सैंडविच टेस्ट कर लिया। हां, एक तो इतनी मोटी मोटी सैंडविच होय छे या कैफे मुंबई में एक पीस में तो धरई जो। આમાં છે ને ટોમેટો સોસ, ગ્રીન ચટણી, એ તંદૂરી જે સોસ છે એને ટેસ્ટ સાથે જો મિક્સ થઈ જાય છે ને કે તમને થોડું ક્યાંક મેક્સિકન સ્ટાઇલની પણ વાઇબ આવે, ક્યાંક તમને આપણી દેશી વેજીટેબલ સેન્ડવિચ જે આપણે વર્ષોથી ખાઈએ છીએ એની પણ વાઇબ આવે છે, અને હેવી છે અને સાઇઝ પણ કટ નથી કરી, એટલે જો તમારે આમ પેટ ભરીને ભરાઈને કંઈ ખાવી હોય ને સેન્ડવિચ તો આ બેટર ઓપ્શન છે। આમાં તમને દેશી ટચ પણ આવશે અને મેક્સિકન ટચ પણ આવશે, એ જોશો જોઈએ। मतलब यहाँ नेचुरल फ्रूट जूस यूज करते हैं, इसको डालेंगे मैम, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। अभी साथ थोड़ा सा काला नमक जाएगा। okay. ये काला नमक हो गया। हाँ। अभी अपना मिक्सर में इसे ये हो गया मैडम, अभी इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद अभी अपने को जामुन सॉल्ट का जो है गिलास में अपना नमक लगाएंगे। ओके, तभी चलिए इधर आते हैं। चलिए पहले नींबू पानी में भिगाएंगे इसको, उसके बाद थोड़ा सा नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद फिर से ऐसे ही रखना है। वैसे जामुन का नेचुरल टेस्ट आता है ये थोड़ा बहुत सॉल्ट और डालने के बाद, लेकिन इसकी खासियत क्या है? मतलब जब थोड़ा सॉल्टी लगेगा, थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा। ये सबसे ज्यादा मतलब जामुन शॉट में जो हीरो होता है, आई वुड से नॉट हीरो बट अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट सपोर्टिंग पर वो कैरेक्टर के ना अगर हीरो अधूरो से लाइक साइड के। जी मैम, अभी अपना ये हो गया। हां हो गया। हेलो, अभी अपना इसमें डालेंगे आप तो मतलब दिल खोल के फुल फुल भर रहे हैं इसका। जी मैम। આજે તો ઝટપટ ફૂડી વિથ કશિશમાં જામુન શોર્ટ કેવી રીતના બને છે પણ બધા બતાવી દીધા છે, તમે ટેસ્ટ કરી લીધો। જામુન શોર્ટ પ્રો મેક્સ મજા પડી ગઈ। હવે એને જામુન શોર્ટ ડેફિનેટલી ટ્રાય કરાય, મારો રિવ્યુ થઈ ગયો, હું ફટાફટ તમને રિવ્યુ આપું છું બીકોઝ મારે આને શોર્ટ ની સ્ટાઇલમાં પીવાના છે। તો ચલો જ
जामुन शॉर्ट्स ने शॉर्ट्स ની સ્ટાઇલ માં બેક ટુ બેક બોટલ પર કરી દીએ ચીયર્સ બોલિંગ કરવા લોકો આવે છે અને મને ફૂડ બી સર્વ કરી છે કાફે મુંબઈ છે અને મુંબઈ વાઇબ્સ આપવા માંગી છે આપણે જોયું હશે અમારી અલગ અલગ ડિફરન્ટ સેન્ડવિચીસ છે જામુન શોર્ટ્સ છે જે સ્પેશિયાલિટી છે લોકો અહીંયા આવે છે એન્જોય કરે છે ફેમિલી સાથે સારા ફીડબેક્સ છે અમને પણ અને લોકો આવે છે એન્જોય કરે છે સાથે નોટ ઓન્લી વીકેન્ડમાં પણ ચાલુ દિવસે બપોરના સમય પણ લોકો અહીંયા મને દેખાઈ રહ્યા છે યસ 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 એટલી ડિમાન્ડ નથી અને અમે બી અહીંયા છે ને એ રીતે રાખ્યું છે કે અમે કોઈ સેલ્ફીઝ લે છે વિડીયોઝ જે અમુક અમુક જગ્યાએ મનાય હોય છે પણ અમે કંઈ બી નહીં કે છે આવે બધે વિડીયોઝ ઉતારે સેલ્ફીઝ લે છે એટલે બધાને મજા આવે મજા આવે છે એન્જોય કરે છે બધા સારા ફીડબેક્સ છે પોઝિટિવ છે અમારું બધું અને કેટલા સમયથી છે હા અમારે અહીંયા અત્યારે 8 મહિના છે 9 મહિના અને આ નવું બિલ્ડિંગ છે જસ્ટ હમણાં રિસ્પોન્સ પબ્લિક નો સારો છે સાથે કેફે મુંબઈમાં ફૂડ વેરાઇટીઝ તમારે દ્રષ્ટિએ કઈ કઈ છે કે જે લોકો અહીંયા આવે તો ટ્રાય કરી શકે સેન્ડવિચીસ છે અમારી પાસ્તા પીઝા જામુન શોર્ટ્સ તમે જે ટ્રાય કરી છે એ અમારી સ્પેશિયાલિટી છે ત્યાં લોકો બોલિંગ કરતા કરતા બી અમે ત્યાં સર્વ કરી છે એન્જોય કરે છે ફેમિલી સાથે અને સારો રિસ્પોન્સ છે આગળ શું પ્લાન આગળ પ્લાનિંગમાં તો અમે આ ફિલ્ડમાં તો ઘણા ટાઈમથી છે અમારા ગેમ ઝોન્સ ને એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક ને બધું છે ઘણું બધું પણ આગળ જતા બી ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ રિજિયન્સમાં કરવાની છે ઈચ્છા નવ નવ અટ્રેક્ટિવ લોકોને મળતું રહે તમે એવું બતાવતા રહો એવી શુભકામના ઓલ ધ વેરી થેન્ક યુ થેન્ક્સ અલોટ હું અહીંયા વીકમાં એક બે વાર તો બોલિંગ રમવા આવું જ છું અને અહીંયા મુંબઈ કેફેનો નાસ્તો પણ કરું જ છું સેન્ડવિચ અને બહુ મસ્ત હોય છે મજા આવે અહીંયા રમવાની તંદુરી સેન્ડવિચ તંદુરી ચીઝ સેન્ડવિચ બહુ મસ્ત બનાવે છે ભાઈ અને બોલિંગ રમવા પણ વીકમાં એક બે વાર તો આવું જ છું બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે મારે કેફે અને ગેમિંગ બંને એક જ જગ્યાએ મળી જાય છે કેફેનું ફૂડ બી બહુ સારું છે નેચરલ જ્યુસીસ અવેલેબલ છે જોડે સેન્ડવિચ છે પોપકોર્ન છે બહુ સારી વેરાયટી છે આર્કેડ ગેમ્સમાં બી બહુ સારા સારા ઓપ્શન્સ છે અને એક્સપિરિયન્સ મારો બહુ સારો રહ્યો છે હા મુજે બહુ અચ્છા લગતા હૈ યહાં પે મેં રેગ્યુલર આતી હું બોલિંગ એન્ડ ફૂડ યહાં કા બહુ અચ્છા હૈ ઓર મજા ભી બહુ આતા હૈ સેન્ડવિચ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ વગેરા બહુ અચ્છા લગતા હૈ ફન બ્લાસ્ટ માં આઈ એમ લિટરલી હેવિંગ ફન કેફે મુંબઈ નું આટલું મસ્ત ફૂડ ખાધું અને હવે આટલી જોરદાર ગેમ્સ રમવાની તો મજા જ પડી રહી છે તો તમે ક્યારે આવો છો અહીંયા ફન બ્લાસ્ટમાં ફન અને ફૂડનું ડબલ કોમ્બિનેશન ટ્રાય કરવા માટે આપણે ફરી મળીશું વિધ નેક્સ્ટ એપિસોડ ઓફ ઝટપટ ફૂડી વિથ કઝિન્સ ત્યાં સુધી બાય